सिंगरौली जिले के कलेक्टर केवीएस चौधरी के अगुवाई में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्कृष्ट स्थान के लिए जो मुहिम नगर निगम के द्वारा चलाई जा रही है, जिसका सार्थक परिणाम अब देखने लगा है और इस मुहिम में जहां शहर के प्रत्येक नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं, समस्त शासकीय अशासकीय विद्यालयों के साथ ही जिला मुख्यालय में स्थापित समस्त कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी अपना योगदान दे रहे हैं, वहीं आज कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर श्री चौधरी के द्वारा जिले के तमाम पत्रकार साथियों के साथ पत्रकार वार्ता कर उन्हें भी इस मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अपील की गई। कलेक्टर के द्वारा पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा गया कि यह शहर हम सबका है, इसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए जब सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे तभी हम स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में अव्वल स्थान प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण जो टीम बाहर से आएगी उसके द्वारा यह परखा जाएगा कि स्वच्छता से संबंधित कितनी जानकारी नगरवासियों को है और उनके द्वारा 7 प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसका संतुष्टिपूर्वक उत्तर देने भी जरूरी होंगे और वहीं आप लोगों के माध्यम से हम स्वच्छता से जुड़ी जानकारियों को आम नागरिकों तक पहुंचा पाएंगे और जिससे शहरवासी भी स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी से अवगत हो सके। उक्त बैठक मुख्य रूप कार्यपालन यंत्री वीपी उपाध्याय, स्वच्छता प्रकोष्ठ समन्वयक अमित सिंह, जनसंपर्क अधिकारी बीके शर्मा, उपयंत्री अनुज सिंह सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। एक प्रकार का ये नगर निगम ऊपर चैलेंज है और हमारे सभी हम लोग जो वाले काम कर उनको ऊपर चैलेंज है कि कितना एक्टिवली सिटीजन अपना सहभागिता निभाते हैं और हमारे जो कोई गंदी जगह है तो उसका हमारे लोग देखते हुए उसको फोटो डाल रहे हैं और उसको कितना सीरियसली नगर निगम या हमारे नगरीय निकाय उसको रेस्पॉन्ड करते हुए साफ सफाई करके उसको डाल रहा है ना। तो आप लोगों से अपील है कि स्वच्छता ऐप को सभी लोग डाउनलोड करें, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए वो नागरिकों को भी इसके बारे में बता दें ताकि लोग मान लीजिए जितना एक्टिवली लोग कहीं पे गंदी जगह है उसके बारे में फीडबैक नहीं होती, मान लीजिए जल्दी से नगर निगम ऊपर भी दबाव होके उसको साफ कर पाए। साहब ने जैसा बताया कि हम लोग गाड़ियां कम लगाए थे वहां तो सब आंकड़े दिए हुए हैं तो वो बोले कि आप करिए, हम उनसे डोर टू डोर कलेक्शन करते हो, हम बोले हाँ करते हैं, बोले कितनी गाड़ियां हैं, मैं बोला 35 गाड़ियां हैं, तो बोले कि तुम्हारे यहाँ 44,000 परिवार हैं 2,00,000, बहुत सकारात्मक सही।